हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस किस जगहों पर आपको आधार की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि कहां कहां आपको आधार कार्ड का यूज नहीं करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किसी भी ग्राहक को आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन KYC करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में KYC ऑफलाइन के माध्यम से करते हैं, यानी कि फिजिकल मोड में करते हैं, तब आप पैन कार्ड, बिजली बिल या गैस बिल के जरिए देकर अपना KYC करवा सकते हैं। सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट में आधार देना अनिवार्य है। अगर आप इस श्रेणी में नहीं आते, तब आपको बैंक खाते के लिए आधार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोन लेने के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं है, हालांकि KYC कराने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। आप अपना पूरा आधार कार्ड दिए बिना UIDAI की वेबसाइट से वर्चुअल ID डाउनलोड करके दे सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उसके लिए भी आपको आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी में KYC के लिए आधार कार्ड दे रहे हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए और पूरा आधार नंबर दिए बिना वर्चुअल आधार यानी कि मास्क आधार का उपयोग करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मास्क आधार में पूरा आधार नंबर नहीं होता, बल्कि अंतिम के 4 अक्षर होते हैं। इससे आपकी जानकारी चोरी होने का जोखिम घट जाता है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। इस तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।